हेलो फ्रेंड्स, घेर वाला अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। 2.5 मीटर कपड़ा हमने ले लिया है। अब इसे हम खोल लेंगे। उसके बाद दोनों कोर को हम इस तरीके अच्छे से पकड़कर इसे 3 खुट शेप में इस तरीके से मोड़ लेंगे। चारों कोन को हमें पकड़कर अच्छे से बिछा लेना है। कपड़े को जो हमने फोर फोल्ड किया है, एक साइड से खुला हुआ रहेगा। अब कमर हमारा 40 इंच है तो उसका हम 4 भाग करेंगे। 10 इंच हमारा है तो 10 इंच ले लेंगे, इसका चौथा भाग 40 इंच हो जाएगा। अब इसकी लंबाई हमने 29 इंच लिया है। अब 29 इंच पर हम गोल इस तरीके से टिक लगा लेंगे। पूरे राउंड शेप में हमें इस तरीके से टिक लगा लेना है। अब इसमें मियानी के लिए हमने 8 इंच पर टिक लगाया है। 1.5 या 2 इंच चौड़ा हमें इस तरीके से टिक लगा लेना है। उसके बाद इसमें हमें राउंड शेप दे देना है। अब ऊपर जो हमने टिक लगाया है उसे गोल करके कट कर लेंगे। अब मियानी के लिए इसे भी हम कट कर लेंगे हल्का सा तिरछा करके। अब नीचे से भी हम गोल शेप में कट कर लेंगे। अब इधर से जो हमारा तिरछा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। ये कट करने के बाद इस तरीके से घेर दिखेगा। अब यहाँ पे हम स्टिचिंग कर देंगे। उससे पहले कमर के लिए हम बेल्ट को कट करेंगे। जो नीचे से हमारा कपड़ा बचा था उसमें से हम बेल्ट के लिए निकालेंगे। 19 इंच हम बेल्ट को रखेंगे। अब इसकी चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे। अब इधर से भी हम 6 इंच रखेंगे और सीधा करके यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरीके से बेल्ट को हमें जोड़ना है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब दोनों को हम रखकर मियानी को इस तरीके से जोड़ेंगे। अब इसके ऊपर हमें डबल सिलाई चला लेना है। अब हमने जो बेल्ट कट किया है पहले उसे अटैच करेंगे। इसे बराबर करके यहाँ से हमें सिलाई चलाना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम कट कर लेंगे। अब खुले हुए साइड से हम सिलाई के ऊपर बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। पूरे पर हमें सिलाई चला लेना है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाने के लिए नापेंगे। 1.5 इंच चौड़ा हमारा इलास्टिक है तो यहाँ से हम सिलाई चलाएंगे। अगर आपका इलास्टिक ज़्यादा चौड़ा है तो आप ज़्यादा चला सकते हैं। अब दोनों मियानी को हम यहाँ से रखकर इलास्टिक लगाने की जगह छोड़ करके और इधर से फिर सिलाई चलाएंगे। अब फिर से इसके ऊपर हम डबल सिलाई चला लेंगे। इलास्टिक की जगह छोड़ करके हमें यहाँ पे लॉक कर देना है सिलाई को। अब हम इलास्टिक लेंगे। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। आपकी कमर जितनी हो उतनी इलास्टिक लगा सकते हैं। पिन की मदद से अब हम इसमें लगा लेंगे। अब सीधा करके इलास्टिक को हमें स्टिच कर देना है।
घुमा घुमा करके इसे हमें लॉक कर लेना है। अब हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे और इधर से जो खुला हुआ साइड था उसे हम स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर डबल सिलाई चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई चला देंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर ना घूमे। ये इलास्टिक हमारा लग चुका है। ये देखिए इस तरीके से घेर होगा। अब इसके अंदर से हमें यहाँ से उल्टा करके यहाँ से सिलाई चलाना है। यहाँ पे घुमा करके हमें सिलाई चला लेना है। अब कपड़े को पलटाकर इसके ऊपर हमें डबल सिलाई चलाना है। अब इसमें डबल फोल्ड करके हमें नीचे की तरफ कोरी को मोड़ देना है। अगर आप चाहे तो इसमें पिको भी करा सकते हैं। पूरे घेर में हमें अच्छे तरीके से कर लेना है।